नगर निगम परिषद की शुक्रवार को होने वाली बैठक में पार्षदों को चार अलग अलग विषयों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इनमें सबसे महत्वपूर्ण योजना तिनछा फॉल और शीतला माता फॉल से शहर तक पाइपलाइन बिछाकर पानी लाने की है। निगम ने पिछले साल सर्वे करवाकर दोनों विकल्पों की संभावित योजना तैयार की है। परिषद से इसकी मंजूरी मिली तो दोनों योजनाओं की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करवाई गई। जल कार्य समिति प्रभारी बलराम वर्मा ने बताया कि शहर से तिनछा फॉल की दूरी करीब 22 किलोमीटर है। वहां से पानी लाया जाता है तो उसे देव गुराड़िया के पास बायपास पर नर्मदा लाइन से मिलाया जा सकता है। इसी तरह शीतला माता फॉल का पानी महू से गुजर रही लाइन के जरिए जुड़कर इंदौर आ सकता है। तिनछा फॉल का एक हमने सर्वे कराया है, प्राथमिक सर्वे कराया है, जिसके अंदर हमको पानी की अपार संभावनाएं नजर आती हैगी और लगभग 1630 MLD पानी वहाँ पर हमको उपलब्ध होने की आशा है। साथ में एक सर्वे हमने शीतला माता फॉल का भी कराया है, जिसमें 311 MLD पानी की संभावनाएं वहाँ पे भी नज़र आती है कि शीतला माता फॉल 6.5 किलोमीटर की चैनल पूरी बनती हैगी और अच्छा पानी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर भी मिलता हैगा और वो शहर से 42 किलोमीटर मात्र दूरी पर हैगा और लगभग 100 मीटर की लिफ्टिंग में वो पानी इंदौर आ सकता हैगा। साथ में जो तिनछा फॉल वाला एरिया है, तीन बड़े बैराज उसमें बनते हैं पानी के, कि उसमें 1630 MLD पानी हमको रेगुलर साल भर मिलने की संभावना है उसमें भी हैगी। साथ में एक सर्वे उसमें हमने और लिया था कि तिनछा फॉल से जो दूरी हैगी धाराजी की, वो लगभग 30 किलोमीटर के आसपास दूरी पड़ती हैगी, तो यदि इन केस यदि हमको बारिश नहीं होती है तो हम एक अल्टरनेटिव व्यवस्था भी वहाँ से कर सकते हैंगे कि हम धाराजी से पानी को लिफ्ट करके हम तिनछा फॉल में डालें और तिनछा फॉल से शहर को पानी की आपूर्ति दे सके। इस प्रकार ये हमारी योजना हैगी और काफी दोनों योजनाएं नर्मदा प्रोजेक्ट की तुलना में सस्ती होंगी और पानी लाने का खर्च कहीं ज्यादा सस्ता होगा।